आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। आप जब इस गीत को गा रहे हैं, आप इसकी वर्डिंग समझ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे मेरा जीवन बदल गया, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो आपका जीवन बदला कि नहीं, पूछो अपने आप से बदला कि नहीं। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं मेरा जीवन बदल गया तेरा नाम लेने से। आज आप संडे चर्च आए हैं, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि आज आप अपना जीवन बदलवाने के लिए आए हैं, अपनी आत्मा को चेंज कराने के लिए आए हैं, अपने विचारों को बदलने के लिए आए हैं, आप अपने घर की ब्लेसिंग के लिए आए हैं कि नहीं। अगर आपको ये विश्वास है आज अपने हाथों को उठाओ और फिर से इस गीत को गाना कि मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। अगर आज तक किसी का जीवन नहीं बदला, जब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपका मन नहीं बदलेगा, आपके विचार नहीं बदलेंगे, जो हम पाप के लिए था मन, आज इसी समय हम जब तोबा करते हैं, चर्च में आने का मतलब यह कि हम अपनी गलतियों को मान लें। हम खुदा के घर में आए हैं, हम परमेश्वर के घर में आए हैं, किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी दुकान पर नहीं आया, आप परमेश्वर के घर आए हैं। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा से बातें करो। बाइबल में लिखा कि हर एक भक्त जन अपने मन की बात खोलकर मुझसे कहे। हर एक भक्त जन कह रहा है कि हर एक भक्त जन अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो आज इसी समय परमेश्वर से। अपने दर्द को बताओ परमेश्वर को, आप किसी मनुष्य को मत बताओ। यहाँ पर खड़े रहो और इस समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा के सामने अपने मन की बात खोल, आप इसी समय अपने मन की बात खोलो परमेश्वर के सामने। आप मंदिर में, आप भवन में, आप मांगने के लिए आए हैं। और प्रकाशित वाक्य में लिखा कह रहे हैं कि सरकंडा लेकर स्वर्गदूत को भेजा गया, कह रहे इनको माप ले। आपको मापने आता है स्वर्गदूत, कहता है जिसकी प्रार्थना में दम लगेगा, जिसके बोलने में, कहता है जिसके मांगने में दम होगा, जिसके वर्शिप करने में दम होगा, आज उनको माप कर जाएगा। आज स्वर्गदूत और आशीष देने के लिए परमेश्वर आज यहाँ पर आपको आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से पवित्र आत्मा से कहो स्वर्गदूत 24 घंटे खड़े रहते हैं सिंहासन के सामने। कुछ स्वर्गदूतों को आराधना के टाइम वो हाथ खड़े कर वहां पर स्वर्गदूत आराधना करते हैं। आप यहां पर खड़े हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियां बदलना चाहता है, आज आपको आशीषें देना चाहता है। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर अपने लोगों को छू ले। आज पवित्र आत्मा जो भी लोग यहाँ पर खड़े होकर पवित्र आत्मा तेरी आराधना कर रहे हैं घंटों घंटों परमेश्वर, सच में पवित्र आत्मा जी आज इन्होंने पवित्र आत्मा आप इस समय परमेश्वर इनकी ओर हाथ बढ़ाकर छूकर आज इन्हें आशीर्वाद दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज कैसा भी दर्द है, कैसी भी बीमारी है, कैसी भी समस्याएं हैं, क्योंकि बाइबल बताती है आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। आज वर्शिप करो, परमेश्वर आज छुटकारा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद संडे के दिन हम घर बैठकर प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन नहीं, संडे के दिन परमेश्वर स्वर्ग में नहीं मिलता, चर्च के अंदर मिलता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। फिर से कहो, फिर से कहो बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। यस, पवित्र आत्मा इनका जीवन बदल जाए। जो लोग वर्शिप कर रहे हैं आज इनकी आत्मा बदल जाए। बदल Yes. बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। जब आप बदलेंगे, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा। परमेश्वर बदल दे आज। अबला बा शबला बा बला बा शबला बा बला बा शबला बा बला बा शबला बा राजा रबा। बदल गया मेरा जीवन, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया,
राजा। अब विश्वास से कहो मेरा जीवन बदल गया, विश्वास से कहो हाँ प्रभु मेरा जीवन बदल गया, मेरे बच्चे बदल गए, मेरा घर संवर गया, बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन। आइए अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास से कहूं प्रभु मेरा जीवन बदल गया, विश्वास से कहो हाँ प्रभु मेरा जीवन बदल गया, मेरे बच्चे बदल गए, मेरा घर संवर गया। आज कहो कि मेरा घर संवर गया तेरा नाम लेने से, मेरी आत्मा संवर गई प्रभु तेरा नाम लेने से। मैं कह रहा हूँ कि आज यीशु मसीह का नाम लेते ही आज आपकी आत्मा संवरने जा रही है, आपका घर संवरने के लिए जा रहा है। आज आपका शरीर जो शैतान ने बीमार कर दिया था, मैं कह रहा हूँ कैसा भी वायरस क्यों ना हो आज संवरने के लिए जा रहा है, आज सारे वायरस डिफ्यूज कर दो आमीन बोलकर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं अपने हाथों को उठाता हूँ और परमेश्वर आज इस समय पवित्र आत्मा तेरे लोगों की ओर मुंह करके ने आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु आपने याजकों को कहा इज़राइल की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देना। जितने लोग यहाँ पर हर संडे पवित्र आत्मा जी तेरे नाम की महिमा करने के लिए आते हैं पवित्र आत्मा और घंटों घंटों खड़े होकर प्रभु तेरी वर्शिप करते हैं, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, आज ऐसे लोगों की जिंदगियों में सच में लाइट आ जाए खुदा के यीशु मसीह के नाम में। यू आर लाइट। आज इसी समय एक बड़ी लाइट को आप अपने ऊपर उतरते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियां आपकी नसें आपकी मांसपेशियां फिर से एक नए प्रकाश को देखने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस फिर से लाइट मारने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे फिर से शाइनिंग मारने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियां आपके हार्ट फिर से यीशु मसीह का नाम लेने से शाइन मारेंगे इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रोफेसी करता हूं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में, प्रभु इनके हार्ट का फंक्शन फिर से लाइट मारने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, शाइनिंग मारे याबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा मैं इस समय परमेश्वर उन लोगों के लिए तेरे सामने आता हूं जो लोग फुटपाथ पर हैं, यतीम अनाथ हैं, बेसहारा हैं, बेकार हैं, लाचार हैं, रोगों से ग्रस्त हैं, कोमा में हॉस्पिटल में फंसे परमेश्वर, दुर्घटना ग्रस्त हैं, कर्ज में दबे हैं, सफर में हैं। मेरे प्रभु मैं ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूं परमेश्वर, तो उनकी जिंदगियों में परमेश्वर एक बार और अनुग्रह कर परमेश्वर, एक बार और अनुग्रह कर परमेश्वर। मेरे पिता जो यहां पर पहली बार भी आए हैं पवित्र आत्मा जी, आज इनकी जिंदगी में परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा मिराकल कर दे मेरे पिता। परमेश्वर तू छू ले आज ऐसे लोगों को, पवित्र आत्मा छूना चाहता है जो लोग इस समय खड़े होकर इस समय चुपचाप शांति के साथ प्रार्थना करें। आप बताएं परमेश्वर को अपने दर्द को, पवित्र आत्मा सुनना चाहता है। दो मिनट सब शांत हो जाएं, दो सेकंड के लिए शांत हो जाएं और इसी समय बातें करें, परमेश्वर को इसी समय याद करें। मैं क्या कह रहा हूं, आप इस समय शांत हो जाएं, भूल जाएं अपनी चिंताओं को, भूल जाएं अपनी टेंशन को। इस समय सिर्फ दो सेकंड आपने यीशु मसीह के नाम को अपने मन ही मन में पुकारो। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। हाँ राजा आप देख रहे हैं आप सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा को पुकारो, कहो पवित्र आत्मा आ। आप सब कहें जुबान से बोले, मुंह खोलो, इनविटेशन दो परमेश्वर को, बोलो कि पवित्र आत्मा आ मेरे दिल में, आ मेरे घर में, आ मेरे बिजनेस में, आ मेरे जीवन में, आ मेरे हार्ट में, आ। मैं आपको इनविटेशन देता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं लेकिन आज मैं अपने पापों को छोड़ देता हूं, मैं मन से विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है और मैं क्लेम करता हूं, घोषणा करता हूं कि मैं प्रभु में बना रहूंगा। मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया, मैं उसके लहू बहाने से मुझे शिफा मिली है और मैं आज आनंद करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आज चर्च में तेरी भक्ति करूंगा और चर्च के बाद मैं मंडे आनंद को देखूंगा अपने लाइफ में यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं एक बड़े एंजॉय को यहां से लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो अपने मुंह से बोलो, मैं एक बड़े एंजल को अपने साथ लेकर जा रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम में। मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज मेरी सिचुएशन चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ पवित्र आत्मा जिन लोगों ने आज सच में परमेश्वर अपने मुंह से कहा है मुझसे बातें कर परमेश्वर, आप बोलो परमेश्वर मुझसे बातें कर, बोलो मुझसे बातें कर। अब लबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा आज छू ले ऐसे लोगों को जो लोग दर्द में हैं, जो लोग परेशानियों में हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है ऐ मेरी बेटी ऐ मेरे बेटे मत डर इस बीमारी को देखकर। आज आत्मा कह रहा है तू जहां खड़ा है परमेश्वर का सिंहासन लगा है यहां पर और वो तुझे निहार रहा है, मेरे अंदर से होकर बातें कर रहा है परमेश्वर आपसे।
वो कह रहा है तुम्हारे मांगने पर मैं तुम्हें दूंगा। आज आज पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर दया करना चाहता है, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। वो कह रहा है अंधे भिखारी को कहा उसने, बोल तू क्या चाहता है। बोलता है मैं प्रभु तू सब जानता है, मैं तो यही कि मैं जन्म से अंधा हूं, आज तक नहीं देखा है, देखना चाहता हूं। अगर आज आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर को नहीं देखा है, उसके कामों को महसूस नहीं किया है, आप विश्वास के कारण आज देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है मेरी बेटी मांग कर जा मुझसे, जैसे ही तू आज घर जाएगी तेरे लिए आकाश की खिड़कियां खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज मांगो, आज आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आज पवित्र आत्मा को कहो यहां पर खड़े होकर, परमेश्वर मैं बड़ी दूर से आया हूं, पवित्र आत्मा मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं हर समय तुझे टाइम दिया करूंगा परमेश्वर, तू मेरी ओर मुंह कर और आज मुझे शांति दे परमेश्वर, मेरे बच्चों को शांति दे, मेरे परिवार को शांति दे। अगर कोई आज किसी का जन्म हॉस्पिटल में है, पवित्र आत्मा मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन माँ बाप के लिए, उन रिश्तेदारों के लिए, कि मेरे प्रभु इसी समय तू स्पर्श करो ऐसे लोगों को आज यीशु मसीह के नाम में स्पर्श कर। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, अबा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा। नागराज कौन है, दौड़ कर आए स्टेज के पास और कैमरे की तरफ मुंह करे, वॉलंटियर सिखाओ इसको, अबा लबा शबा लबा कोई भी है, अगर है तो अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। नागराज अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको बोल रहा है, तेरे घर में, योर हाउस, परिवार में, योर फैमिली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, और मैं उसको देख रहा हूं, एंड आई एम वाचिंग देम। कोई औरत है, देयर इज अ लेडी, और वो टेंशन में है, He's in distress. Depression है. He's in depression. दुष्ट आत्मा उसको मारना चाहती है. She's oppressed by the demons. लेकिन तेरे घर में आज छुटकारा होने जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में. But you will be blessed today. रीना. रीना. मैं तेरे हस्बैंड को देख रहा हूँ. I'm watching your husband. वो गोरा है. He is from Goa. अगर कलर उसका साफ है, गोरा रंग है उसका. He's fair. अगर वो यहाँ पर है. If he is here. प्रभु का आत्मा बोला तीसरे महीने में आप मकान बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ओ राजा रबा सना यो वरे रे 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 रे। कुलविंदर। कुलविंदर। कम हियर। कम हियर। कुलविंदर है कोई यहाँ पर? Is there anyone कुलविंदर? आने दो उसको। उसको आने दो अगर कोई कुलविंदर है। Let him come. आत्मा बातें करे। Holy Spirit talks. हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ कोई लड़की और दौड़ कर आए, आने दो उसको और खड़े हो जाओ जी, जिसके मैं नाम बोल रहा हूँ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर आजाद कर और ऐसे लोगों को छू और ब्लेस कर आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहा है, Holy Spirit is telling, मैं आज तुम्हारी परिस्थितियां बदलने वाला हूँ। I'm going to change all your situations. आप मुझे नहीं जानते हैं। You don't know me. लेकिन बस आपको प्रभु को जानना है। But you have to cling on to the Lord. आप एक बड़े छुटकारे को लेकर जाएंगे यहाँ से। You will be set free. आप बड़े छुटकारे को लेकर जाएंगे। You will be set free. आप आजाद होने वाले हैं। You are going to free. आप कहीं से भी आए हैं। Wherever you are from, आपकी परिस्थितियाँ, your circumstances, आज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। Are going to change. आपकी परिस्थितियाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। Your situations are going to change. परमेश्वर का बादल आपके ऊपर आ रहा है। Clouds of Lord is coming onto you. आप एक छाया को देख रहे हो अपने ऊपर। You are seeing His shadow. इस शेडो को देख रहे हो। परमेश्वर ऐसे आपको शांति देने वाला, मेरे बोलते यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके दर्द को दूर करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। He will take away all the afflictions from you. आपकी परिस्थितियां बदलने वाली यीशु मसीह के नाम में। Your situations are going to change. आप कहीं से भी आए हो। Where are you from? आपको आज परमेश्वर आजाद करके भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। You will be set free. आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर रहा है परमेश्वर। ये शैडो सिर्फ 2 सेकंड के लिए है। ये आपके लिए आई थी। This is for you. ये मेरे बोलते ही आपके लिए आई थी। This is for you. परमेश्वर आपको शांति देने के लिए जा रहा है, टच कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। God is going to give you peace. He's touching you. आमीन। आमीन।
ये सुनो, ये कुलविंदर मेरी तरफ मुंह करो फटाफट, जितने भी कुलविंदर हैं माइक लेके आ फटाफट। कुलविंदर ऐसे करो, उधर ऐसे खड़ो, उधर माइक लगा। अपने हाथों को उठाओ और इस समय ध्यान से सुनना, बस बाकी वहीं खड़े रहे, परमेश्वर आपको छुए। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, कुलविंदर कौन कौन है हाथ उठाओ, बस मुझे बताओ, बाकी सब सारे कुलविंदर हो, बस बाकी वहीं खड़े रहे, जो भी हैं अब वहीं खड़े रहे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। सुनो, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा परमेश्वर आपको छूना चाहता है। लड़की ट्रांसलेशन कर मनी, मनी को दे माइक, सारे बोलो हालेलुया। आप विश्वास करते हैं, मनी को दे माइक, उस लड़की को दे, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। आप तैयार हैं कि नहीं? आर यू रेडी? आप तैयार हैं? Are you ready today? सुनो कुलविंदर, कुलविंदर मैं तेरे से बातें कर रहा हूँ। I'm talking with you. प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है। Holy Spirit is telling. प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है। Holy Spirit is telling him. आपके घर में there is someone in your house. कोई जॉब के लिए बड़ा परेशान है। Is afraid of job. माइक कर। Yes, papa. आपको तीसरे हफ्ते में खुशियाँ मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। In the third week you are going to get a good news. मैं सही कह रहा हूँ? तीसरे हफ्ते में उसको खुशखबरी मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप मेरे से मिले हो कहीं? Have you ever met him? नहीं पापा, तुसी सपने में सवेरे मेरे आए सी, तुसी कहंदे सी लगातार 5 हफ्ते आ फिर तेरा काम हो जूगा बहुत बड़ा। मैं अपनी नौ नु दसिया, पापा मैं 4 साल तो ब्लेंटियर आ, मैं तुहाडे नाल राज सी, मेरी क्यों नहीं भविष्यवाणी हुंदी, कोई भी इन्ना चिर इन्ने ब्लेंटियर दी। नहीं सुनो, आपको जितना पूछ रहा हूँ उतना, मैं कहाँ खड़ा हूँ आप ये देखो, समझ रहे ना? आपको मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना पूछो। सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ, परमेश्वर बोल रहे हैं आपसे, The Lord wants to tell you, आपके बच्चे को जॉब नहीं है, you are not having आप तीसरे हफ्ते में खुशखबरी देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। Going to get a good news. आगे कुलविंदर पिंक सूट में, तेरे को पेट में कोई प्रॉब्लम होता है? Are you having problem in your stomach? Yes. आज के बाद तो डॉक्टर को चेक कराना, आजाद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। You are set free. मेरी बात को सुन रहे हो? Are you listening? आप यहाँ पर खड़े हो? You are here. आप खुदा को बताओ? You need to tell Lord. खुदा आपको जानता है? Jesus knows you. ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है। It is a prophetic ministry. आप यहाँ आकर मांगना। Ask from here. प्रभु मुझसे बातें करता है। Lord talks to him. और अगर मैं जो बात बोल रहा हूँ, And whatever he says. आपके आप अगर रिसीव कर रहे हैं, If you are receiving. आज आपके भी काम खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम। All your works are going to get open. एक आदमी कुलविंदर, घर में शराब कौन पीता है? Yes, मैं उधर कर रहा हूँ। हाँ, उस लड़की पे चल, उधर चल। हाँ, आ गया फटाफट, मैं तेरे को देख रहा हूँ। आपका नाम भी कुलविंदर है? Is your name कुलविंदर? हाँ, घर में शराब कौन पीता है? मेरा ब्रदर है। इसका भाई है? His brother drinks alcohol. परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। The Holy Spirit is telling. अभी थोड़े दिन के बाद, In few days. आप एक मिराइकल देखेंगे अपने घर में। You will see a miracle in your life. एक कोर्ट केस होना था आपके भाई के ऊपर। There was a court case over your brother. मैं सच कह रहा हूँ। Is it true? परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। Holy Spirit is telling. कि वो कई बार बचता आ रहा है। From many times he is saved. परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। But the Lord is telling. आप सितंबर के महीने में देखेंगे। In the month of September you will see. आपका घर पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। That your house will change in the name of Jesus. और मेरे बोलते ही वो दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। Hallelujah. सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। साइड में हट। सारे बोले हालेलुया। स्टैंड अप। आप सुनो, मैं ये क्या कह रहा हूँ, आप सुनो, जितने भी यहाँ पर खड़े हो, नागराज कौन? नागराज। Who is नागराज? Come here, come here. नागराज, माइक कर। तू मेरे से मिला है कहीं? सारे कनाडा हो। हिंदी नहीं आता? हाँ, यस, ट्रांसलेशन जल्दी हो। हाँ। आप मेरे से मिले हो कहीं? ये मेरे से मिला है कहीं? पहले आया था सब। मेरे से तो नहीं मिला कहीं? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो जल्दी इसी समय। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है,
इसको इंग्लिश में बोल द होली स्पिरिट इज टेलिंग परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है द होली स्पिरिट इज सेइंग दो माइक रखे यहां पे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा हेळता इदे कि आपके घर में विद इन योर हाउस निम्मा मनेले आप इसको समझाना है जी इसको बोल रहे हो समझा रहे हो इसको ट्रांसलेशन कर रहे हो ये कर्नाटक से कौन है दोनों हैं तारीफ करो जोर से हालेलुया नागराज के घर में इन द हाउस ऑफ नागराज निन्न मने ले किसी को पेट में बड़ा इन्फेक्शन है समवन इज हैविंग प्रॉब्लम इन स्टमक कोई इसका शादी हो गया इज ही मैरिड इसके घर में कौन है लेडीज जिसको पेट में प्रॉब्लम है देयर इज अ लेडी हु इज हैविंग प्रॉब्लम कोई मां है बहन है कौन है कौन ऐसा जन मां है मां है हर मदर इज हैविंग प्रॉब्लम अब इसको पूछो है उसको पेट में प्रॉब्लम इज शी हैविंग प्रॉब्लम इंफेक्शन रहता है पेट में देयर इज एन इंफेक्शन इन स्टमक पेट में इंफेक्शन रहता है आप अभी फोन करके पूछोगे कॉल हर वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है होली स्पिरिट इज सेइंग ये सारे कामों में फ्लॉप हो गया दैट यू आर फ्लॉप्ड इन एवरी वर्क लेकिन परमेश्वर कह रहा है बट टुडे द लॉर्ड यहां से जाने के बाद ये आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर अपने स्थान पर हीरो बनने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में हीरो एट दिस प्लेस होली स्पिरिट आपको कर्नाटक के अंदर एक शॉप देने वाला है द होली स्पिरिट इज गोइंग टू ब्लेस यू विद अ शॉप आप सब आप जितने भी यहां पर खड़े हैं दोज हु आर हियर मेरे हाथ की तरफ देखो लुक टुवर्ड्स हिज मेरे चेहरे से एक किरणें उतर रही हैं दे आर रेज्ड ओवर हिज फेस जैसे मूसा पहाड़ी से उतरा व्हेन मोसेस केम उसके बाद जब लोगों ने उनको देखा When people looked at him, उसके बाद उनकी परिस्थितियां बदल गई Their situations changed. आप लोगों को नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया है Lord has called you. आप चिंता ना करें Don't be tense. आप ये ना कहें कि मेरा क्या होगा Don't say that what will happen आप विश्वास me. करें You need to have faith. मेरी तरफ देखो Look towards एक अभिषेक आपको छू रहा है There is an anointing अगर over him. आप उस अभिषेक को ले रहे हैं If you are receiving आज it, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय पवित्र आत्मा इनकी परिस्थितियों को बदले अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करें यीशु मसीह की गाएं 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 खुदा है हमारा जिंदा 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 खुदा है हमारा अपने हाथों को उठाओ अपने हाथों को उठाओ जिंदा खुदा जिंदा खुदा यीशु अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय जोर से बोलो यीशु फिर से कहो यीशु बोलते रहो फिर से बोलो यीशु मैं विश्वास करता हूं आपने मेरी जिंदगी बदल दी आज पवित्र आत्मा जी होली स्पिरिट मैं इस समय आपका वेलकम करता हूं और परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि आपने लोगों को छुआ और ब्लेस किया और इसी समय परमेश्वर आज लोगों से बातें कर और इनकी सिचुएशन आज बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में आमेन मेरे पिता इनका विश्वास और ज्यादा मजबूत होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में सारे बोलो आमीन आमेन